हेलो डी स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से वेलकम है। इससे पहले के जो अपनी क्लासेस हुई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, आज उसी को अपन आगे रनिंग में कर रहे हैं। जो पहले की जो क्लासेस हुई हैं उनमें अपन ने डिस्कस किया था कि अपन किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे काउंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो केस आपके सामने आए थे, एक तो था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक कौन सा था, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने काउंट किया था किसकी हेल्प से, बोलो भूल गए क्या? वहां तीन जो कंडीशंस थी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर की, अगर वो फिक्स्ड होती हैं तो वहां अपन ने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो काउंट करके निकाल दिया था सी की हेल्प से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। और उससे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने काउंट किया था उससे अपन ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी डिजाइन किया था, उसका जो एसआरपी का वैल्यू था और उससे जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी अपन ने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि किसी सेल का नॉन स्टैंडर्ड केस में आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे काउंट करोगे। तो वो अपन काउंट करते हैं किसकी हेल्प से, नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो आज की क्लास बड़ी खास होने वाली है, इस क्लास में आप ये डिस्कस करोगे या आज की क्लास में अपन ये करने वाले हैं कि नर्नस्ट इक्वेशन अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से क्या काउंट करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सेल का जो वर्क डन होगा, वर्क डन की अगर अपन बात करते हैं जिसको आप डिनोट करते हो किससे, डब्ल्यू से, या आपसे मैं पूछूं कि किसी सेल के द्वारा किया गया जो कार्य होगा, सेल के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो किसके इक्वल आएगा, जिसको आप बोल रहे हो W। तो कोई भी सेल जब काम करेगा अपना, उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो आप कैसे काउंट करोगे, उस सेल ने कितना चार्ज क्रिएट किया है, W इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू V। क्यू यहाँ पे क्या होता है, उस सेल के द्वारा क्रिएट किया गया चार्ज, और V क्या होता है, अगर वहां चार्ज क्रिएट होगा तो उसने कितना पोटेंशियल क्रिएट किया वो उसका क्या होगा, V। तो किसी सेल का जो वर्क डन होगा वो कैसे काउंट करते हैं, क्यू इंटू वी के इक्वल, क्यू क्या होता है, उसने कितना चार्ज क्रिएट किए हैं। अरे कोई भी डिवाइस काम करेगी तो वहां क्या होगा, चार्ज का, अपने ये बोला था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चार्ज का जब सेपरेशन होता है तो वहां पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो उसने कितना चार्ज क्रिएट किया वहां पे, और चार्ज क्रिएशन की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो उसका क्या माना जाएगा, वर्क डन माना जाएगा। बोल सकते हो W इक्वल टू क्यू इंटू वी, अपन इसको बोल रहे हैं ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि उसका जो वर्क डन अगर क्यू इंटू वी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो कैसा होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो कितना मानते हैं, 1 फेराडे के इक्वल, और 1 फेराडे में जो डिजिट होता है वो कितना होता है, 96500 कूलम। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक फेराडे में कितना आवेश होता है, 96500 कूलम। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मीनिंग क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किसके इक्वल है, 1 फेराडे के इक्वल माना जाता है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, अगर कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, एन मोल, यदि एन मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो उस केस में जो आवेश होगा किसके इक्वल आएगा, nf के इक्वल आएगा। कैसे पता चला, अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1f है तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा, nf, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर कितना है, 1f, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना बताओगे, NF। बोल सकते हो कैसे कि N मोल इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो, बात करते हैं कि अगर यहां इसका मीनिंग क्या है, चार्ज ऑफ N मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ N मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आएगा, NF। एक मोल पे चार्ज अगर F1F है तो N मोल पे कितना होगा, NF। बोल सकते हैं अपन ऐसा, तो मैं आपसे पूछूं कि यहां W इक्वल टू क्या है, Q इंटू वी, इस Q की जगह आप क्या रख सकते हो, ये चार्ज आपके सामने आएगा या जो आवेश निकाला वो किसका वैल्यू है, Q का वैल्यू है, तो W इक्वल टू क्या रख सकते हो, Q इंटू वी की जगह, Q की जगह क्या रख सकते हो, N इंटू एफ इंटू वी, और V वहां पे क्या सीन होता है,
V क्या होता है उसका पोटेंशियल, जिसको सेल पोटेंशियल बोला गया। अरे V क्या था, उस सेल ने कितना चार्ज क्रिएट किया और उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, वो उसका क्या होता है V। तो V की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ई सेल, उस सेल ने कितना पोटेंशियल क्रिएट किया है वो उसका क्या होगा, ई सेल। ओके, अरे इतनी बातें समझ में आ गई क्या सबको। नेक्स्ट देखना, ये इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया, समझ में आ गया। W इक्वल टू क्या था, Q इंटू V, और Q क्या है वहां पे आवेश, और एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है तो वहां आवेश कितना लेते हैं, एक फेराडे के इक्वल। अगर मैं आपसे पूछूं कि n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वहां चार्ज कितना आएगा, nf के इक्वल आएगा। तो W इक्वल टू क्या रख सकते हो, nf इंटू ई सेल। ई सेल कहां से है, V की जगह क्या रखा है, E सेल। V क्या था वहां पे, सेल पोटेंशियल, और सेल का पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं, E ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई सेल अपना काम कर रहा है, कोई भी डिवाइस अगर काम कर रही है तो वो धीरे धीरे काम करती करती क्या होगी, थक जाएगी, क्यों, उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, डाउन होगी। वैसे ही कोई सेल की बात करते हैं तो वो सेल ऐसे थोड़ा ना कि परमानेंटली काम करेगा अपना, परमानेंट काम करता गया। कोई भी सेल होता है तो वो एक केस ऐसा आता है कि सर डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने का मतलब उसकी जो खुद की एनर्जी थी यूजफुल काम करने की वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। उस केस में जो यूजफुल एनर्जी को अपन बात करते हैं तो अपन ये बोला था कि सर सेल का जो यूजफुल एनर्जी होता है वो क्या होता है, डेल्टा जी, और वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्या बात बता रहा है कि सर सेल का जो यूजफुल एनर्जी है वो वर्क डन की वजह से धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर सेल ने खुद ने काम किया है, अपन क्या काउंट करें कि सेल का जो वर्क डन है अगर वो ये है, अगर उसका वर्क डन ये निकल के आ रहा है तो वर्क डन की वजह से उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है यानी जो यूजफुल एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यूजफुल एनर्जी डिक्रीज होगी तो आप डेल्टा जी इक्वल टू क्या बोल सकते हो, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू का मीनिंग क्या है, उसका यूजफुल एनर्जी डिक्रीज होगा जब वो सेल क्या करेगा, अपना काम करेगा। अगर उसके द्वारा चार्ज क्रिएट होगा और उसके द्वारा पोटेंशियल डेवलप होगा उस केस में उसकी जो खुद की एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने की वजह से उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी वो कैसा माना जाएगा, नेगेटिव। अरे ये नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, बोलो, बोल दो, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, कैसे हुआ कि सेल जब अपना काम करेगा तो उसकी जो खुद की एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो जो यूजफुल एनर्जी होती है उसकी, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा जी, और वो कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, बोल सकते हो। तो यहां से मैं आपसे ये पूछूं कि सर W इक्वल टू आप क्या रख सकते हो यहां से, अरे W इक्वल टू बोल सकते हो क्या, माइनस ऑफ डेल्टा जी, बोल सकते हो। तो देखो आप इस इक्वेशन को ऐसे रख सकते हो क्या, W आगे अपन W का इक्वेशन क्या रख सकते हैं, माइनस एन एफ ऑफ ई डॉट सेल रख सकते हैं क्या, क्या आप इस W की जगह रख सकते हो माइनस डेल्टा जी, अरे आप इस W की जगह क्या रख सकते हो, माइनस ऑफ डेल्टा जी। तो अगर अपन बात करें कि सर माइनस ऑफ डेल्टा जी इक्वल टू क्या रख सकते हो W की जगह, एन एफ इंटू ई ऑफ सेल, क्या रख सकते हो, ई ऑफ सेल। अरे ये बात क्लियर होगी क्या, आप इस इक्वेशन को थोड़ा आगे मॉडिफाई करें, और मॉडिफाई करके अगर अपन बात करें कि इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी रख सकते हैं क्या, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई ऑफ सेल, अरे रख सकते हो क्या, थोड़ा सा यहां लिखने में मिस्टेक हो रही है वो भी सी एस सर की वजह से, देखना। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या रख सकते हैं, एन एफ इंटू ई ऑफ सेल, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई, डेल्टा जी इक्वल टू आ गया माइनस एन एफ इंटू ई ऑफ सेल। और ये कैसे अपन ने डेराइव किया है, अगर आप सारा वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरा ये जो अपन ने डेराइव किया वो सारा समझ में आएगा कि सर आपने ये इक्वेशन कैसे सोल्व करके निकाली है। जिसको नहीं आ रहा वो एक बार वीडियो को रिपीट करे और देखे ये डेरिवेशन कैसे निकल के आया है। ओके, अगर आप सारा वीडियो देख रहे हो बिना स्किप किए तो आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आज की क्लास बहुत ही खास हो रही है क्योंकि आज कैमरे को नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, आप देख सकते हो, इनको घुमा के दिखाऊं क्या, गौर से देखना इनको, हाँ देखना इधर घूम जा, थोड़ा कम ही घूम रहा आज, कोई ना पूरा घूम नहीं रहा, आप घूमेगा, हो गया कितना, ये जेट वाले बच्चे हैं, इनकी केमिस्ट्री आती है,
सोच तो रहे, केमिस्ट्री नहीं आती तो बढ़िया होता, ये सोच तो ऐसे रहे कि काश हमारे केमिस्ट्री नहीं आती, नहीं आती तो इनको देव सर फिर पढ़ाते नहीं, और नहीं पढ़ाते तो ये कैसे जानते केमिस्ट्री की माया को, देखना। हाँ, तो ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया समझ में आ गया होगा। चलो इसी को आगे अपन बात करें कि डेल्टा जी इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है वो कौन से केस में निकल के आई है, नॉन स्टैंडर्ड केस में। कौन से केस में आई है? अरे नॉन स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या था, जहां पे वो तीन कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की, तो वहां नॉन स्टैंडर्ड केस था। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां डेल्टा जी नोड लगा दें अपन स्टैंडर्ड केस में, तो ये इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, माइनस एन ऑफ एफ इंटू, और यहां भी क्या लग जाएगा, ई नोड सेल। अरे लगा सकते हो क्या, स्टैंडर्ड केस में ये वैल्यू निकल के आएगी। ये कौन से केस में आ रही है, स्टैंडर्ड केस में। अगर आपसे मैं पूछूं कि स्टैंडर्ड केस में अगर आपको डेल्टा जी फाइंड आउट करना है, तो आप इसी इक्वेशन को यूज लेके डेल्टा जी नोड इक्वल टू क्या रख सकते हो, यहां ई सेल क्या है नॉन स्टैंडर्ड केस में सेल का पोटेंशियल, और ई नोड सेल क्या है स्टैंडर्ड केस में सेल का पोटेंशियल। ओके चलो आगे बात करते हैं। आप देखना एक बहुत ही बढ़िया सी शानदार इक्वेशन आपके सामने आएगी, जो इस चैप्टर में कहीं काम की नहीं है, बेकार सी इक्वेशन है, जिसका कहीं पर भी यूज इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी यहां थोड़ा सा उसका यूज अपन लेंगे, और वो इक्वेशन थोड़ा आपको ध्यान रखना। वो इक्वेशन क्या थी देखना, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नोड प्लस आर टी ऑफ एल एन के सी। ये थर्मोडाइनमिकली एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोड प्लस आर टी ऑफ एल एन के सी। ये इक्वेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस इक्वेशन से आगे आपके सामने पूरी इक्वेशन निकल के आएगी। देखो डेल्टा जी इक्वल टू, ये एक थर्मोडाइनेमिकली या ऊष्मा गतिकी के अनुसार आपने कभी पढ़ा भी होगा, फिजिक्स की बात की जाती है तो वहां पर भी ये इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं आती है। थर्मोडाइनेमिकली या ऊष्मा गतिकी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके आधार पर ये इक्वेशन निकल के आई है, ऊष्मा गतिकी के अनुसार। थोड़ा सा यहाँ पे आप इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, बाकी इसका डेरिवेशन अपन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली अपन इस इक्वेशन को यहाँ क्या ले रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखा है, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन ऑफ केसी। अरे बोल सकते हो कैसा, देखना। अब देखना इसी इक्वेशन से आपके सामने मैं आपसे पूछू, आप इस डेल्टा जी की जगह क्या रख सकते हो, देखना ये रहा इक्वेशन, देखना इस डेल्टा जी की जगह क्या रख सकते हो आप, माइनस एन एफ इंटू ई सेल। अरे यहां जो डेल्टा जी रखा हुआ इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, कर सकते हैं, और यहां जो डेल्टा जी नोट लिखा उसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, तो देखना आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखते जाइए, खोल के बैठ जाइए क्या अपना दिल, हंस क्या रहे हो, देखो सुने, इरेजर ले रहा था और पता नहीं क्या लिया गया, अब ठीक है। देखो डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी ऑफ एल एन के सी। अब देखना यहां डेल्टा जी की जगह क्या रखना है आपको, ये वाली इक्वेशन रख दिया सर, माइनस एन एफ इंटू क्या रखा हुआ है ई सेल। अरे रख दिया क्या, इस डेल्टा जी की जगह आप ये इक्वेशन रख सकते हो, इक्वल टू लिखा हुआ डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट की जगह अपन ये इक्वेशन रख सकते हैं, तो देखना क्या निकल के आएगा, माइनस एन एफ ऑफ ई डॉट सेल। अरे आया कि नहीं आया, आगे क्या लगा हुआ है, अपने रख दिया प्लस, लगा दिया प्लस, आगे क्या रखा हुआ है आर टी और एल एन ऑफ के सी। ये बात समझ में आ गई क्या कि सर ये इक्वेशन कैसे बनी है, अरे आ गया होगा अब तो समझ में, ये इक्वेशन आपने डेल्टा जी का वैल्यू रख दिया, डेल्टा जी नोड का वैल्यू रख दिया, प्लस आर टी एल एन के सी। ओके अब थोड़ा सा क्या करना है, सारी इक्वेशन को आप क्या करो एन एफ से डिवाइड कर दो, ये जो सारी इक्वेशन बनी है इसको अपन किससे डिवाइड करते हैं, एनएफ से। यहां आप डिवाइड करो माइनस ऑफ एनएफ से, किससे डिवाइड करना है, माइनस ऑफ एनएफ से आप इसको डिवाइड कर दो। अगर आप इसको भी माइनस ऑफ एनएफ से डिवाइड कर रहे हो, और यहां पर भी अपन डिवाइड कर रहे हैं माइनस ऑफ किससे, एफ से,
तो देखना ये सलट जाएगा, अरे सलट रहा क्या, माइनस एन एफ से माइनस एफ एन एफ, यहां से भी माइनस एन एफ से क्या सलट रहा है, माइनस एन एफ। चलो आगे सोल्व करते हैं, जो बच गया उसको बचा के रख दो, जो सलट गया उसको सलटा दो। सलटाने के बाद में यहां क्या देखने को मिल रहा है सर, ई सेल बचा, यहां क्या मिला ई सेल, अरे बच रहा है क्या, ई सेल इक्वल टू यहां क्या बचा बताओ, ई नॉट सेल, अरे यस की नो, यहां क्या बच रहा है, ई नॉट सेल। आगे देखो ये प्लस माइनस मिलकर क्या बता सकते हो, माइनस, तो यहां आगे क्या रख सकते हो सर, आर टी एल एन के सी, और क्या रख सकते हो एन एफ। अरे कितनी प्यारी सी इक्वेशन आ गई, कितना बड़ा झंझट था लास्ट में छोटा सा झंझट बचा है, आ गया क्या, आपने माइनस एन एफ से इसको डिवाइड किया सारी इक्वेशन को, और सारी इक्वेशन को थोड़ी सी सेटिंग खराब हो रही है, इधर एक मिनट सही कर देता हूं, ये थोड़ा इधर की सगे मैंने देखा ही अभी है, कोई नहीं थोड़ी सी खराब हुई है। अब देखना तो माइनस आर टी एल एन के सी अपॉन क्या आ गया एन एफ, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब थोड़ा सा यहां एक कॉन्सेप्ट और काम में लेना है, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली आपको पता भी होना चाहिए, जेट वाले बच्चे बैठे हैं वो भी देखते रहे भैया, यहां एल एन का मीनिंग क्या है, जो एल एन है इसका मतलब होता है लॉग बेस में ई, एल एन का मीनिंग क्या है, लॉग बेस में ई, और अगर लॉग बेस में ई लिखा हुआ है इसको टेन बेस में अगर चेंज करना हो तो इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है 2.303 लॉग बेस में टेन। ये मैथमेटिकली है, सी एस सर भी यहां बैठे हुए हैं वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं क्या यार मैथ वाली इक्वेशन भी काम में लेते हो, देखना हाँ मैथ भी चलती है यहाँ। एल एन जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, लॉग बेस में ई, और लॉग बेस में ई लिखा हुआ है इसका मतलब इस लॉग ई बेस को अगर 10 बेस में चेंज करना होता है तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जो यहाँ काम में आएगी। इस एल एन को चेंज करना है किसमें, लॉग बेस 10 में, इस एल एन का मतलब क्या है लॉग बेस में ई, और ई बेस को 10 बेस में चेंज करने के लिए उसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है 2.303। ओके तो आगे देखना इसी इक्वेशन को आगे मॉडिफाई करें, इस ln को log 10 बेस में चेंज करेंगे, और log 10 बेस में चेंज करने के बाद log e बेस को किस में चेंज करना है 10 बेस में, तो देखना e सेल इक्वल टू क्या जाएगा, अरे e सेल इक्वल टू क्या जाएगा बताओ, e नोड ऑफ सेल माइनस r का रख दिया r, t का क्या रख दिया t, ln की जगह ये बात रखनी है, इस ln की जगह क्या रखनी है 2.303 log बेस में क्या 10, अरे रख दिया क्या, और अपोन में क्या लगा हुआ है, यहां इंटू लगा सकते हो, अपोन में क्या लगा हुआ है n इंटू f, बन गई, अरे यस की नो, आपने यहां जो ln लिखा हुआ था इसको मॉडिफाई कर दिया आगे, इस ln का मतलब था log बेस में ई, e बेस को 10 बेस में चेंज करना है, और 10 बेस में चेंज करने के लिए इतने से क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई कर दिया। चलो आगे और चेक करते हैं, अगर अपन r की वैल्यू रख दें, r इक्वल टू क्या होता है गॉस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है कितना 8.314 जूल अपॉन मोल केल्विन, या जूल पर मोल पर केल्विन, r का वैल्यू इतना है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर अपन यहां टेम्परेचर 298 केल्विन, ये मैक्सिमम केस में आपको टेम्परेचर 298 केल्विन ही मिलेगा, मैक्सिमम केस में जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां टेम्परेचर आपको क्या लिखा हुआ है 298 केल्विन। आगे जो इक्वेशन अपन सोल्व कर रहे हैं वो 298 केल्विन मान के क्या कर रहे हैं सोल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ आर का वैल्यू रखेंगे, टी का वैल्यू रखेंगे, एफ यहाँ पे क्या होता है फेराडे कॉन्स्टेंट जिसका वैल्यू अभी बताया था, अरे बोलो ये भाग कैसे रहा इधर, भाग गए, तो एफ इक्वल टू क्या रख सकते हो 96500 कूलम, अभी बताया था एक फेराडे इक्वल टू कितना होता है 96500 कूलम। चलो चेक करते हैं आगे देखना, ओहो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है क्या, अब टेढ़ा दिखे चाहे सीधा दिखे देखना तो पड़ेगा ही, देखना ई सेल, ई सेल इक्वल टू क्या रख सकते हो ई नोड सेल, रख दिया क्या आपको इस इक्वेशन में आर और टी का वैल्यू रखना है, और देखो सी एस सर आप भी देख सकते हो इधर एक बार, ये हमने एक मैथ का प्रॉपर्टीज काम में लिया इधर, देखना सही है क्या, एल एन को लॉग बेस में ई बोलते हैं और लॉग बेस ई बेस को 10 बेस में चेंज करने के लिए इतने से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, एम आई राइट, ओके देखना। अब देखना आगे
थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही है। देखो थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल हो गया, हाँ अब ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू क्या रख सकते हैं, ई नोड सेल रख दिया। आगे माइनस आर की जगह कितना यूज लिया आपने, 8.314, और टी अपन कितना ले रहे हैं, 298 केल्विन। अरे बोल सकते हो क्या, आगे क्या रखा हुआ बोलो, इंटू 2.303, और आगे क्या रखा हुआ लॉग बेस में 10, और अपोन में क्या लगा हुआ है एन एफ लगा हुआ। क्या एफ की जगह आप क्या रख सकते हो, हाँ समोसे ले आना कोई दिक्कत नहीं, 96500 गुलाम। आप यहां जो एफ लिखा हुआ उसकी जगह क्या रख सकते हो, 96500 कूलम। क्या हो गया, हाँ क्लास ही ले रहा हूं, हाँ क्लास चल रही है पूरी, अभी वीडियो होने वाला है पूरा देखना। हाँ लिसन, हाँ तो ई सेल इक्वल टू क्या हो सकता है, देखना यहां से आगे इसको अपन सोल्व आउट करें। आप इस सारी इक्वेशन को सोल्व आउट करोगे तो ई सेल इक्वल टू आपके सामने इक्वेशन निकल गई, देखना ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और आगे क्या बचा हुआ है लॉग बेस में 10, और क्या केसी, देखना थोड़ा सा यहाँ पे ये लॉग 10 बेस में आगे क्या था केसी भी लगा हुआ था इक्वेशन में। ओके ये आपके सामने इक्वेशन आ गई, और इसी को क्या बोला गया है, ये जो प्यारी सी इक्वेशन आप देख पा रहे हो इसी को क्या बोलते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन। एक बढ़िया सा इक्वेशन डिजाइन किया इस नर्नस्ट ने, और इस इक्वेशन की हेल्प से उसने क्या बता दिया कि नॉन स्टैंडर्ड केस में आप किसी सेल का पोटेंशियल कैसे काउंट करेंगे। ये जो पोटेंशियल है वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड में सेल का पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड केस में सेल का पोटेंशियल। अरे ये वाला पोटेंशियल तो आसानी से कैलकुलेट हो गया था, किसकी हेल्प से, सी की हेल्प से, वो अपने पहले की जो क्लासेस में उनमें डिस्कस भी कर लिए। और यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करके आप किसी सेल का नॉन स्टैंडर्ड केस में क्या निकाल सकते हो, सेल पोटेंशियल। ओके थैंक यू।